स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। अरविंद केजरीवाल ने पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न देने की मांग की है और दिल्ली विधानसभा से सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न से सम्मानित करने का प्रस्ताव भी आज पारित करवा दिया। ये प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा ने पर्यावरण के लिए बहुत सराहनीय काम किया है, इसलिए उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाना चाहिए। दिया जाता है तो और हमारे देश में परंपरा ये हो गई है कि किसी के मरणोपरांत हम देते हैं, हमें उनकी याद आती है। बहुत अच्छा होता अगर वो जीवित होते और जीवित रहते हुए अगर हम उन्हें भारत रत्न देते। मैंने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाए। मुझे बेहद खुशी है कि आज पूरा हाउस, सभी पार्टियां मिलके, चाहे विपक्ष हो पक्ष हो, सभी मिलके एक आवाज़ में यूनैनिमस ये रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार देश के लोगों की इस भावना के अनुसार उन्हें भारत रत्न जरूर देगी। और दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र गुरुवार को हंगामेदार रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधायक ओम प्रकाश द्वारा आपत्तिजनक शब्द को लेकर सत्ता पक्ष वेल में उतर गया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने विधायक ओम प्रकाश से सदन में माफी मांगने को कहा। इसके बाद पूरे दिन के लिए ओम प्रकाश सदन से निष्कासित कर दिए गए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि विपक्ष को अब सदन में 20 मिनट से ज्यादा 1 सेकेंड नहीं मिलेगा। दिल्ली में कोरोना महामारी पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, जिसके बाद अब स्कूल खोले जाने की कवायद होने लगी है। स्कूल खोलने की मांग भी होने लगी है। सरकार से भी स्कूल खोलने की योजना के बारे में सवाल पूछे जाने लगे हैं। इस पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खुद स्थिति साफ की है। मनीष सिसोदिया ने राजधानी में स्कूल खोले जाने को लेकर दिल्ली के अभिभावकों से सुझाव मांगे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। राजधानी में कब खुलेंगे स्कूल? दिल्ली सरकार ने अभिभावकों से मांगे सुझाव। दिल्ली में स्कूल कब खुलेंगे, ये राजधानी के ज्यादातर स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं। कई अन्य राज्य स्कूलों को खोलने का ऐलान कर चुके हैं, ऐसे में इसको लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है। आज राजधानी के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने स्कूल खोलने को लेकर छात्रों, उनके माता पिता और शिक्षकों से उनकी राय मांगी। मनीष सिसोदिया ने सुझाव भेजने के लिए एक ईमेल भी जारी किया है। और वहीं स्कूल पर कार्रवाई के मामले में बुराड़ी विधायक संजीव झा क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनवाते हैं आपको। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एपीजे स्कूल शेख सराय की टेक ओवर की प्रक्रिया को मंजूरी अपनी दे दी है, क्योंकि ऐसा पाया गया कि एपीजे शेख सराय मनमाने ढंग से फीस की वसूली कर रही है। इसको लेकर लगातार शिकायतें भी आई और यही कारण है 2018-19 में जो एपीजे स्कूल को फीस बढ़ाने की जो रिक्वेस्ट था उसको भी रिजेक्ट कर दिया। साथ में दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने यह आश्वस्त भी किया कि हम एक एक पीरियड्स के साथ किसी के साथ किसी तरह का हम अन्याय नहीं होने देंगे। हर अभिभावक अपने बच्चों के अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल भेजता है और निजी स्कूलों की मनमानी की वजह से फीस भरने में खून के आंसू रोता है, लेकिन अब राजधानी में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। दिल्ली के निजी स्कूल अब अभिभावकों से मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे। दिल्ली सरकार ने मनमानी फीस वसूलने वाले स्कूलों को सख्त आदेश दिए हैं। दिल्ली सरकार ऐसे स्कूलों को टेक ओवर करने जा रही है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस पर मनमानी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार का मतलब साफ है, या तो दिल्ली के निजी स्कूल अपनी ओर से मनमानी फीस वसूलना बंद कर दें, या फिर सरकार की कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। जिन स्कूलों ने फीस बढ़ाई है उन स्कूलों पर शिकंजा कसने के लिए दिल्ली सरकार पहला कदम उठा चुकी है। ऐसे ही एक मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल ने एपीजे शेख सराय स्कूल के प्रबंधन को टेक ओवर करने के लिए शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब ये फाइल एलजी के पास भेजी गई है। स्कूल को मनमाने तरीके से बढ़ाई गई फीस को वापस लेने के लिए कहा गया था, लेकिन एपीजे शेख सराय स्कूल प्रबंधन ने आदेशों का पालन नहीं किया।
देखिए एपीजे स्कूल जो लगातार बिल्डिंग फंड के नाम पे पैसे मांग रहा था, जबकि दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने बार बार उसको अनाउंस किया है कि भाई कोई भी स्कूल बिल्डिंग फंड के नाम पे पैसे ना ले और फीस ना बढ़ाए। फीस बढ़ाने को लेकर के एपीजे बार बार स्कूल में स्कूल की फ़ीस बढ़ाने की बात कर रहा था, जबकि एपीजे स्कूल के अकाउंट के अंदर 49,57,00,000 रुपए की राशि उसके अकाउंट में जमा थी, जिसमें कुल 18 करोड़ रुपए के करीब खर्चे का लगभग आकलन किया गया। उसके अलावा जो बाकी रकम थी वो उसी के अकाउंट में शेष बची थी। तो ऐसा शिक्षा निदेशालय को लगा कि भाई इस स्कूल को फीस बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं, ये किसी आर्थिक संकट में नहीं है। ये तो साफ है कि दिल्ली सरकार बच्चों की शिक्षा को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरतना चाह रही। साथ ही दिल्ली सरकार ने इस कदम से दूसरे उन स्कूलों को भी साफ संदेश दे दिया है जो दिल्ली सरकार के आदेशों को हल्के में लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन स्कूलों को टेक ओवर कर दिल्ली सरकार खुद चलाएगी। हालांकि ये प्रक्रिया ऐसी होगी जिससे उसकी पढ़ाई और स्कूल की क्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सदन में आज भारी हंगामा देखने को मिला। एक महिला पार्षद ने जमकर हंगामा किया, उसके बाद कांग्रेस दल के निगम पार्षदों ने साप्ताहिक बाजारों को लेकर हंगामा किया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने भलसवा लैंडफिल को लेकर जमकर नारेबाजी की। इसको लेकर न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता टीपू सुल्तान ने महापौर सरदार राजा इकबाल से खास बातचीत की। हाउस में हंगामा रहा, कांग्रेस के पार्षद, आम आदमी पार्टी के पार्षद और एक अन्य पार्षद ने भी सदन के दौरान हंगामा किया और सदन स्थगित कर दिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं नॉर्थ दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह जी। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपका भी एमसीडी में स्वागत है। सर, मेरा सीधा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि कूड़े में घोटाला हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। ऐसा क्या भ्रष्टाचार हो गया? अगर आप आम आदमी पार्टी के इतिहास में जाइए, उनको हर आदमी पे घोटाला नज़र आता है। कोई राष्ट्रीय नेता उन्होंने नहीं छोड़ा, कोई उन्होंने भारतीय सेना नहीं छोड़ी, उन्होंने आईआईटी नहीं छोड़ी, उनको सर्वोच्च न्यायालय पे उनको भ्रष्टाचार नज़र आता है, हाई कोर्ट के उनको भ्रष्टाचार नज़र आता है। इसलिए उनके दिमाग में डे और नाइट करप्शन ही नज़र आता है। कभी वो शीला दीक्षित की बात करते थे, मगर उनके पास आज भी कोई प्रूफ नहीं है और वो कोर्ट में कुछ भी बोलकर माफ़ी मांगने के लिए अरविंद केजरीवाल जी बहुत मशहूर हैं, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनका कहना है कि स्टैंडिंग कमेटी में सुनी नहीं गई, हाउस में हमारी सुनी नहीं जा रही, 2 रुपये का माल 4 रुपये में खरीदा जा रहा है, जनता का पैसा उड़ाया जा रहा है, ऐसा क्या है मसला इसमें? मुझे लगता है कि उनको या तो अंडरस्टैंडिंग की कमी है या उनको समझ नहीं आ रहा। हमने 2 घंटे का मौका दिया स्टैंडिंग कमेटी में, वो अच्छे वक्ता बनकर बहुत अच्छा बोले, उनको अच्छे ढंग से समझाया गया, वो सेटिस्फाई हो गए। उसके बावजूद अगर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो हमारे साथ मीटिंग में बैठ सकते हैं, अधिकारियों के साथ बैठ सकते हैं। वो उनको भी चाहिए कि अपने थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का दायरा बढ़ाकर बड़े सौहार्दपूर्ण में जनता की सेवा करनी चाहिए। और राजधानी दिल्ली के भलसवा लैंडफिल के कूड़े को लेकर आम आदमी पार्टी का हंगामा लगातार जारी है। भाजपा शासित निगम पर आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। आप निगम पार्षदों का कहना है कि भाजपा शासित निगम आगामी चुनावों से पहले ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार करना चाहती है। इस दौरान स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जोगीराम जैन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता टीपू सुल्तान ने। कूड़े को लेकर के सड़क से लेकर के मैंने बताया है कि सदन में भी हंगामा हुआ, स्टैंडिंग कमेटी में भी हंगामा हुआ, आज हाउस में भी हुआ और हाउस स्थगित कर दिया गया है। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जोगीराम जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। जोगीराम जैन जी, स्टैंडिंग कमेटी में बिल को पास कर दिया गया और अब हाउस में आज हंगामा, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, स्टैंडिंग कमेटी में जिस ढंग से हमने बिल को पास किया है, यहाँ हाउस में ये लोग कह रहे हैं कि आपने धक्के से पास कर दिया। इनके 3 सदस्य हैं स्टैंडिंग कमेटी में और इस विषय को हमारे नेता सदन जो क्रम से हम बोल रहे थे कि पास पास पास, तो विक्की गुप्ता जी ने बोला कि इस पे हम बहस करना चाहते हैं। मैंने अपने नेता सदन को तुरंत मैंने कहा कि आप इसको यहीं रोक दो और हम खुल के इसके बारे में बहस करेंगे। विक्की गुप्ता जी खूब बोले हैं, इसके ऊपर खूब बहस हुई है, उन्होंने जो जो क्वेश्चन किए उनका भरपूर हमने जवाब दिया है। हमने अपने अधिकारियों से भी दिलवाया, उसके बाद मैंने शीशे की तरह बिल्कुल साफ़ कर दिया। पर मैं तो हैरान हूँ कि पहले भी जब इन्होंने अखबार में निकला था, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमारे लोगों ने जो है ना इसके स्पष्टीकरण दिया, आपके पूरा मीडिया लगातार 3 दिन से इस चीज़ के बारे में स्पष्टीकरण दे रहा है। मैं तो हैरान हूँ कि ये इनको संतुष्टि कैसे होगी। ये हंगामा बरपा क्यों, आखिर क्या घोटाला है इसमें?
घोटाला है ही नहीं ना जी, ये समझ रहे हैं। हमने जो ट्रोमल लगाया है वो कह रहे हैं कि इस ट्रोमल की कीमत 17,70,000 रुपये है, ठीक है, और इसका हम जो किराया दे रहे हैं एक महीने का वो 18,36,000 रुपये है। इनको ये पता ही नहीं कि हमने किराए पर लिया ही नहीं है, ये जो ट्रोमल हमने किराए पर लिया ही नहीं है। हमने जो ठेका दिया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो 306 रुपये पर मीट्रिक टन जो कूड़ा साफ करेंगे, उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमने ठेका दिया। और दिल्ली एमसीडी में हाउस का समर्थन करने आए आप विधायक महेंद्र गोयल ने मेयर पर जमकर हमला बोला। विधायक ने कहा कि हमारे निगम पार्षदों की आवाज दबाई जा रही है, स्टैंडिंग कमेटी के सदन में बिल को जबरन पास करा दिया गया और अब चर्चा करने से भाग रहे हैं। कूड़े को लेकर के हाउस में हंगामा बरपा है, स्टैंडिंग कमेटी में भी हंगामा था, सड़क पे भी हंगामा था और फिर हंगामा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विधायक महेंद्र गोयल जी। महेंद्र गोयल जी, विरोध बार बार हो रहा है लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। देखिए, आपको पता है दिल्ली विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और आज यहाँ पर भी हाउस था। मैं यहाँ पर जो आया हूँ क्योंकि मैं दिल्ली सरकार की तरफ से नुमाइंदा हूँ इस हाउस का, और यहाँ पर आज चर्चा के लिए आए थे कि जो ये एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, कूड़े के ढेर के ऊपर जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसका पर्दाफाश करने के लिए आए थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि महापौर साहब नहीं इसके ऊपर चर्चा करने देना चाह रहे। हम चाहते हैं कि एक स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए कि जो भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा के लिए विपक्ष ने समय मांगा है तो आप उसके ऊपर चर्चा करवाइए। ये यहाँ पर चर्चा नहीं करवा रहे हैं और अपने घोटालों के ऊपर घोटाले, घोटालों के ऊपर घोटाले करते ही जा रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी में विरोध तक दर्ज नहीं हुआ, आज हाउस लग रहा है, विरोध हुआ, मेयर साहब उठ के चले गए, क्या लगता है कि होगी चर्चा? आपको पता है स्टैंडिंग कमेटी में जो भी हमारे मेंबर होते हैं वो विरोध करते हैं, लेकिन उस विरोध को दर्ज तक नहीं करते, जो बड़ी शर्मनाक बात है। और एक तरफ से अपने पास करते हुए चले जाते हैं। हाउस एक इसलिए होता है कि वहाँ पर सभी मेंबर होते हैं, वो स्वस्थ परंपरा के तहत वो चर्चा कर सके, लेकिन यहाँ पर भी वो चर्चा नहीं करते। ये थे विधायक महेंद्र गोयल जी, जिनका साफ कहना है कि सत्ता बदलने वाली है, आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में आने वाली है और 272 जो सीटें हैं वो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की आएगी और हमारी सरकार आएगी और दिल्ली को स्वच्छ बनाने का हम लोग काम करेंगे। दिल्ली से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के यूपी सांसदों की बैठक खत्म हो गई है। दो दिन तक यूपी चुनाव को लेकर चला मंथन, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की है बैठक की अगुवाई। सीएम योगी, यूपी प्रभारी राधामोहन सिंह रहे मौजूद, प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल बैठक में हुए शामिल। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी बैठक में मौजूद रहे और स्मृति ईरानी, मेनका गांधी भी बैठक में शामिल हुई है। आज गोरखपुर, अवध, काशी क्षेत्र के सांसद शामिल हुए थे। यूपी विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाएंगे बीजेपी सांसद। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अपडेट बता रहे हैं आपको इस बैठक से जुड़ी हुई। बीजेपी के यूपी सांसदों की बैठक खत्म हो गई है, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक चल रही थी। दो दिन तक यूपी चुनाव को लेकर चला मंथन, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक की अगुवाई की है और अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। जो रणनीति बनाई जा रही थी वो बन चुकी है अब यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर। आज गोरखपुर, अवध, काशी क्षेत्र के सांसद इस बैठक में शामिल हुए, यूपी चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाएंगे बीजेपी के सांसद। तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। तो बीजेपी सांसदों की बैठक खत्म हो गई है और ब्रजेश श्रीवास्तव मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। क्या कुछ हुआ, क्या कुछ अपडेट है ब्रजेश, एक बार बताइए, आप बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको मैं जरा तस्वीरें दिखाऊं कि देखिए यहाँ पर बैठक चल रही थी और बैठक पूरी तरीके से खत्म हो गई है। अब एक एक करके सांसद बाहर निकल रहे हैं। आखिर क्या कुछ बात हुई, फिलहाल ऑफिशियली कोई भी सांसद कुछ बोलने को तैयार नहीं है कि आखिर बैठक में क्या कुछ खास रहा, लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर के जो है पार्टी ने रणनीति तैयार की है कि जो 7 मंत्री बनाए गए हैं समय केंद्र में उत्तर प्रदेश के, उन मंत्रियों
नीतियों को आगे रख करके जन आशीर्वाद यात्रा को चलाया जाएगा। इसके साथ ही जन आशीर्वाद यात्रा के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में खास करके एक अलग तरीके की स्ट्रेटजी को तैयार करने की कोशिश की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास के मॉडल को आगे लेकर के जाया जाएगा कि किस तरीके से वाराणसी से लेकर के गोरखपुर तक जो एक पूरा विकास का जो है एक प्लान तैयार किया गया है उसके तहत जो है आगे बढ़ना है। तो इस कड़ी में जो है सांसदों को बताया गया है कि आप केवल जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए आप लोगों को कनेक्ट कीजिए, अपने संसदीय क्षेत्र से 300-400 किलोमीटर के दायरे में ये मंत्री ये बाकायदा जो है यात्रा लेके निकलेंगे, वहाँ पर लोगों से संवाद करेंगे, लोगों के साथ सीधे संपर्क स्थापित करेंगे। तो ये पूरी वो स्ट्रेटजी है। इसके साथ 5 अगस्त को प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है जो है अन्न डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के उसको लेकर के भी जो है सांसदों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने संसदीय क्षेत्र में आप जाइए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक एक राशन के कोटे में मौजूद रहिए और वहां पर लोगों को बताइए कि किस तरीके से कोरोना की इस महात्रासदी के दौरान केंद्र की सरकार ने मुफ्त राशन वितरित किया है और लगातार दे रही है, जिससे कोरोना की इस महात्रासदी में कोई भूखे पेट ना सोए, यानी कि जो गरीबों को, जो शोषित, पीड़ित और वंचित, उनको लेकर के सरकार किस तरह से चिंतित है, किस तरीके से काम किया है वो बताने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन चेहरों को जो 7 मंत्री बनाए गए हैं जो है केंद्र में, उन चेहरों को लेकर के जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। उन चेहरों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने क्षेत्रों में जाना और खास करके जो उनके जातिगत समीकरणों से जुड़े हुए ज़्यादा क्षेत्र हैं वहाँ पर आपको जाकर के बताना है कि देखिए कि आपकी जाति से, आपके क्षेत्र से एक आपका बेटा जिसको केंद्र की सत्ता पर बिठाया, जिसको लोगों ने वो सामाजिक भागीदारी में वो जो स्थान नहीं दिया जिसका वो हकदार था, आज उसको केंद्र की सत्ता पर बिठाया गया, तो वो जातीय समीकरणों को, वो सामाजिक समीकरणों को साधने की ये जो पूरी कवायद है वो स्ट्रेटजी तैयार हुई है। इस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बैठक के दौरान कहा कि देखिए हमने अगर पंकज चौधरी को मंत्री बनाया, अगर बीजेपी ने अगर पंकज चौधरी को मंत्री बनाया तो आप सोचिए कि अगर पंकज चौधरी ऐसे पिछड़े समाज से आने वाले व्यक्ति को आप केंद्र में मंत्री बना सकती है पार्टी, तो फिर आगे किस तरीके से इस पूरे समाज को आगे लेके जा सकती है। तो ये बताने की कोशिश की गई है और इसी तरीके से एक्शन प्लान तैयार किया गया है मिशन 2022 को कामयाब बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुँचाने के लिए। तो दिल्ली में जो मंथन चल रहा था, 2 दिनों का ये मंथन था, फिलहाल आज की जो खबर है अपडेट ये है कि बैठक खत्म हो गई है और क्या कुछ हुआ उसमें हमारे सहयोगी बता रहे थे। राजधानी दिल्ली के पालम विधानसभा के अंतर्गत आने वाले मधुविहार इलाके में सीवर का पानी बहकर गलियों में आ रहा है, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। सीवर के पानी की बदबू और गंदगी लोगों को बीमार बना रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस पानी के चलते उनके मकान टूट रहे हैं और सड़कें धंस रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विधायिका लोगों की समस्याओं को अनदेखा कर रहे हैं। जन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, बात करेंगे यहाँ पर। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम धीरज प्रधान है। सर क्या समस्या है यहाँ पर? हमारे मधुविहार क्षेत्र पालम विधानसभा में पिछले 3 वर्ष से सीवर लाइन डालने का काम चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सीवर लाइन है वो हमारे क्षेत्रीय सुविधा के लिए डाली गई थी, लेकिन यहाँ जो सीवर लाइन का काम किया गया उसमें ना तो नियमों का पालन किया गया, ना कोई टेक्निकल एक्सपर्ट आदमी ने यहाँ सीवर डलवाने की जिम्मेदारी ली, सिर्फ खाना पूर्ति की गई। सरकार ने जिस ठेकेदार को काम दिया उस ठेकेदार ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम किया, और क्योंकि विधायक से उसकी साठगांठ थी, हमने विधायक को अनेकों बार शिकायत की कि बहन जी ये काम गलत हो रहा है। अब समस्या क्या आ रही है आपको? मैं आपको बता दूं, 2 मिनट बहन जी, काम गलत हो रहा है। जो ये सीवर के घेरे हैं, इनके नीचे RCC नहीं डाली गई, वो नीचे से कच्चे हैं। जो उसकी दीवार करी गई उसमें सही से मसाला नहीं लगाया गया, जिससे वो सारा पानी लीक हो करके हमारे मकानों की जड़ों में जा रहा है। और ये रूटीन का प्रोसेस है, जो डेली हमारा घर का पानी सीवर में आता था वो वापस हमारे घर की नीवों में जा रहा था। जैसे ही बारिश हुई ये सीवर ओवरफ्लो करना शुरू कर गए, सीवरों का पानी रोड पे आ गया, रोड से घर पे आ गया, घरों में भी जो सीवर थे वो ओवरफ्लो करने लगे। और हमारे यहाँ लगभग 150 से 200 घर इसी ब्लॉक में ऐसे हैं जिनके घर में सीवर का पानी भरा रहा। तो इस वक्त ये देखा आपने कि यहाँ प्रधान इस
जन समस्याओं को लेकर बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार को चेतावनी दी है कि समय रहते उनकी मांगों को नहीं माना गया तो अंजाम चक्का जाम और फिर वो कोर्ट भी जा सकते हैं, इस तरह से भुगतना पड़ेगा। मैं गुलशन सैफी, न्यूज वन इंडिया, दिल्ली। और पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में दिल्ली पुलिस में कार्यरत एक पुलिसकर्मी पर गंभीर आरोप लगे हैं। युवक के अपहरण का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में कार सवार मोनू नाम का पुलिसकर्मी युवक को जबरन कार में डालते हुए दिखाई दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस कांस्टेबल को हिरासत में ले लिया गया है। जानकारी के मुताबिक युवक अजीत 4 जून को आइसक्रीम खाने के लिए घर से बाहर निकला था। किडनैपिंग, देखो 4 लोग थे, जो शिवा और ऋषि ने हमें वीडियो दिखाई है उस वीडियो में 4 लोग हैं। सफ़ेद कलर की गाड़ी है, वो गाड़ी आके रुकी है, उसमें से 4 लोग उतरे हैं, मारपीट करी है, दोनों को पकड़ लिया था, मेरे भाई को भी और जो उसका दोस्त था। वो दोस्त तो हाथ छुड़ा के भाग गया है और मेरे भाई को मारा पीटा गया है, फिर उसको गाड़ी में डाला है। सर 21 तारीख को हमारा झगड़ा हुआ था ऋषि से, ऋषि और शिवा दोनों से, और 22 तारीख को हमने कंप्लेंट भी की थी कि पार्क की वजह से मैं कपड़े सुखाने जा रही थी तो कपड़े जैसे मैंने झाड़े तो उसके ऊपर गंदे पानी की छींट चली गई थी, तो इसलिए उसने क्या करा, गाली वाली शुरू कर दी मेरे को, गाली गलौज किया, जाति सूचक नामों से बोल रहा था मुझे, उसने हाथापाई भी करने की कोशिश की थी। फिर ये बात मैंने शाम को अपने बड़े भैया को बताई थी कि भैया ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने अगले दिन नेक्स्ट दिन जाके FIR दर्ज कराई थी, तो वहाँ पर हमारी एप्लीकेशन कुछ नहीं लिखी गई थी, कुछ भी नहीं सुनवाई हुई थी वहाँ। उसके बाद हम अपने घर पर ही थी, आराम से सब रह रहे थे, कुछ से लड़ाई रोज। राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी ई ब्लॉक गुरुद्वारा में कुछ दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। दरअसल दबंग गुरुद्वारे में अपना प्रधान बनाना चाहते हैं, तो रोज की तरह शाम को भी सुबह आते हैं, तो शाम के टाइम जो पब्लिक इकट्ठी होती है तो मत्था टेकने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो उनके बीच में कुछ लोग, उन्होंने जबरदस्ती मुझे हटाने की कोशिश की, जब तक कि यहाँ पर कल मैं मौजूद नहीं था, कल बारिश बहुत ज़्यादा थी इस कारण मैं रास्ते में रुक गया, मुझे देर हो गई, तो यहाँ पर जबरदस्ती किसी लोग ने, तो शाम के टाइम यहाँ पे मीटिंग चल रही थी तो हमने इनको रोका, भाई पहले तो ये 7 बजे के टाइम पे रहरास का पाठ हो रहा है, ये आप लोग गलत कर रहे हो, ये गुरु की हमारी विरुद्ध भी है, इसके बीच में हम लोग आपका साथ नहीं देंगे। तो कुछ संगत मिल के हम लोग अंदर बैठ गए, तो हम लोग पूरा पाठ करने के लिए, सुनने के लिए तैयार थे, हमें ऐसा पता नहीं लगा कि बाहर उन्होंने जकारे पे जकारे लगा के उनके घर के 10-20 आदमी या गैंग लीडर जो भी थे उनके साथ में, 20 आदमी के साथ में, हमें नहीं पता उन्होंने उनको सरोपा। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।